ये कब तक चलाएंगे जेल से सरकार, आपको क्या लगता है? अगर मनीष सिसोदिया की तरीके से अगर वो एक साल तक जेल में रहे तो क्या एक साल तक सरकार जेल से चलेगी? चलनी चाहिए आपको लगता है सिद्धार्थ जी? इस कार्यक्रम में शायद उम्र में मैं सबसे छोटा हूं, इसीलिए मेरी जो विचार मतलब मेरी जो समझ है वो ना तो राकेश जी जैसे वकालत वाली संवैधानिक समझ है, न तो हमारे जो गंभीर विषय चिंतक हैं उस तरह के कादरी जी जैसे समझ है। मेरी एक समझ है जो एक सामान्य राहगीर की समझ है, और मेरे समझ में अरविंद केजरीवाल का जो पूरा मामला है इसमें चार विषय आ रहे हैं। एक तो विषय ये कि क्या इस तरह की परंपरा है कि कोई सरकार कहाँ से चलाए, दूसरा ये कि संवैधानिक रूप से क्या इसको मान्य है, तीसरा ये कि इसमें नैतिकता ये कहाँ तक नैतिक है, और चौथा ये कि ये इस तरह से करना कहाँ तक व्यवहारिक है। तो चारों विषय पर मैं छोटे छोटे में बता दूंगा। सबसे पहले तो परंपरा के बारे में ये है कि एक बड़ा आश्चर्यजनक बात है, जब सच भी है। अभी हाल फिलहाल में भाजपा एक कहानी चला रही थी व्हाट्सएप पे सब जगह पर कि मोदी जी ने यूक्रेन रशिया वार रुकवा दिया। इस पर जब जयशंकर जी से पूछा गया तो जयशंकर जी ने भी, वो भारत के विदेश मंत्री, उन्होंने कहा हाँ ये ऐसा हुआ था, मैं उस समय कमरे में बैठा हुआ था। तो आप अगर भारत के प्रधानमंत्री भारत में बैठे बैठे रशिया यूक्रेन वार 3000 किलोमीटर दूर रोक सकते हैं, तो एक सामान्य राहगीर पूछेगा कि दिल्ली का आदमी दिल्ली में बैठ के सरकार कैसे नहीं चला सकता? तो परंपरा तो पहले से आ गई। दूसरी बात संवैधानिक, तो संवैधानिक में ज्यादा मैं नहीं कहूंगा क्योंकि संवैधानिक रूप से राकेश जी ने भी बता दिया कि संविधान इस विषय पे मौन है, लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा कि ऐसी स्थिति को संविधान निर्माता भी शायद सोचे नहीं थे। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल सोचे हुए थे क्योंकि भारत के जितने भी संविधान निर्माता थे वो लोग सभी आजादी की लड़ाई लड़े हुए थे, वो खुद जेल में थे और सभी फर्जी केसों में थे, इसीलिए उनको शायद पता था कि इस तरह का अगर हम संविधान में व्यवस्था डालेंगे तो हम काम करने में दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि भारत में तो भारत का कानून ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर भी पुलिस में केस कर सकता है। मैं वहां पर था या नहीं था, केस तो किसी के ऊपर भी हो सकता है। तीसरी बात यह कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर, तो पहले से दो दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट में जिसने भी याचिका दायर की उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने बोल दिया कि इसमें हमें कोई बोलना नहीं है, तो संवैधानिक रूप से भी इसका समाधान हो जाता है। लेकिन सबसे जो ट्रिकी मामला होता है, बड़ा महीन मामला होता है, वो नैतिकता का होता है। तो अभी जैसे हाल फिलहाल में चार दिन पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की व्यवस्था पर, यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं उसकी निष्पक्षता पर सवाल कर दिया, तो जैसे ही सवाल किया मैं भी थोड़ा सा चिंतित हुआ। मैं सोचने लगा कि क्या इस तरह की बात अगर पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ बोल रहा है तो क्या भारत के प्रधानमंत्री जी को इस आधार पर नैतिक इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? तो मैं सोचने लगा, सोचने के बाद मेरा दिमाग खनका, मैंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने तो नैतिकता की शपथ नहीं ली है, उन्होंने तो संविधान की शपथ ली है, और संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि यूनाइटेड नेशन क्या कहता है या स्टूडियो में बैठे हुए चार आदमी क्या कहते हैं, उसके अनुसार प्रधानमंत्री जी को चलना चाहिए। तो असल बात यह है कि जो सामान्य लोग होते हैं, राहगीर होते हैं, जैसे मेरी माँ है 80 साल की है, उनकी अगर तबीयत खराब हुई तो मैं किस डॉक्टर के पास ले जाऊंगा? चरित्रवान डॉक्टर के पास ले जाऊंगा या क्षमतावान डॉक्टर के पास ले जाऊंगा? तो जनता जो है ना वो क्षमता देखती है, वो चरित्र देखती है। घर में जब दामाद लाना होता है तब चरित्र देखती है, अपना काम करवाना होता है तो क्षमता देखती है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो ये भी सच है कि अरविंद केजरीवाल ने, एक पहले मुख्यमंत्री थे जो कि होने से पहले, ये विषय होने से पहले दिल्ली में एक जनमत संग्रह करवाया कि मैं अगर जेल में जाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए, तो दिल्ली की जनता ने क्यों ये नहीं बोल दिया कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए? उन्होंने नहीं कहा। तो अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो जनता के इच्छा से कर रहे हैं। अब सबसे मूल बात आ जाती है यहाँ पर व्यवहारिकता की। तो व्यवहारिकता में ना हम सब ये मान रहे हैं कि अभी जैसे ही चुनाव घोषित हो गए हैं तब तो चुनाव आचार संहिता लग गई है, तो पूरे भारत में तो जैसे ही चुनाव आचार संहिता लग गई है तब से तो कार्यपालिका का काम सीधे सीधे चुनाव आयोग देख रहा है, ना तो प्रधानमंत्री जी चुनाव आयोग कार्यपालिका को देख रहे हैं। तो दिल्ली में कार्यपालिका पहले से भी दिल्ली सरकार के पास नहीं थी, अभी वो अगर चुनाव आयोग के पास है तो यहाँ पे दिक्कत क्या है? सिद्धार्थ, क्या आपको लगता है कि जेल से सरकार चलनी चाहिए? बहुत छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सिर्फ छोटा सा सवाल, हाँ या ना जवाब दे दीजिए, बस खत्म बात। अगर संविधान ने किसी को नहीं रोका है, अगर भारत के प्रधानमंत्री जी रशिया यूक्रेन का वार भारत में बैठे बैठे सलट सकते हैं, तो दिल्ली में बैठा हुआ आदमी दिल्ली की सरकार चला सकता है। दिल्ली में बैठा हुआ आदमी दिल्ली से सरकार चला सकता है। परंपरा किसने डाली आशुतोष जी, परंपरा किसने डाली?
सिद्धार्थ 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 सिद्धार्थ, मैंने आपसे सवाल पूछा, हाँ ना में जवाब देते तो बहुत अच्छा रहता, खैर आपने जवाब नहीं दिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।